हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे फिर से टाटा स्टील की। टाटा स्टील जो कि आज मेटल इंडेक्स में ही काफ़ी गिरावट है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डाउन आया हुआ है और एक अपना सपोर्ट लेवल जो था उसके आसपास काम कर रहा था उसको तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल इंडेक्स को ही। मेटल इंडेक्स देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 5245 के आसपास काम कर रहा है। एक अच्छा इसने रिटर्न्स दिए थे नीचे के लेवल से, अगर देखें लगभग 1400-1500 रुपये के आसपास ये जो इंडेक्स है काम कर रहा था। उसके बाद देखिए 6800 रुपये के आसपास इंडेक्स पहुंचता है, यानी 4 साढ़े 4 गुना के आसपास इंडेक्स हो जाता है। अब ऊपर के लेवल से 6800 देखिए लगभग 5246 के आसपास इंडेक्स काम कर रहा है, जो अपना अहम लेवल है उसके नीचे अब काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखें एक सपोर्ट लाइन थी, यहाँ पर स्टॉक बार बार जो है इंडेक्स बार बार जो है अपना बेस बना रहा था, अब वहाँ से ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखेंगे पिछले से पिछले बी की कैंडल इसके नीचे आई थी और वहाँ से फिर से स्टॉक ने बाउंस बैक किया इंडेक्स ने, और उसके बाद से फिर से इस लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया। इस लेवल को ब्रेक करने का मतलब है लगभग 5000 के आसपास ये जो इंडेक्स है जाता हुआ नज़र आ रहा है। पहले जो आप देखेंगे जो है 5170 का एक बेस है, अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तब 5000 के हेर फेर में भी जा सकता है, यानी यहाँ से और भी गिरावट हो सकती है जिस हिसाब से इसने इंडेक्स ने लाइन ब्रेक की है। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि जब इंडेक्स नीचे जाएगा तो जो मेजर इसके कंपोनेंट्स हैं वो भी नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले टाटा स्टील के ऊपर। तो टाटा स्टील देखिए इस टाइप से दिखाई दे रहा है, जो इसका चार्ट पैटर्न हमने पहले भी काफ़ी बार फॉलो किया है और बताया था कि इस टाइप से पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न फॉलो कर रहा है। और अगर इसने सपोर्ट लाइन्स को ब्रेक किया तो नीचे की सपोर्ट जो है उसके ऊपर जो है सपोर्ट ले सकता है। बट अब जो आप देखेंगे उसके अंदर देखिए वीकली चार्ट हमने लगा रखा है, 37.95 की RSI है, काफ़ी वीक स्ट्रक्चर है। नीचे की लाइन देखिए, सबसे नीचे की लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर जो शेयर है काफ़ी बार इसने सपोर्ट लिया है। इसके ऊपर की लाइन जो थी इसके लिए रेजिस्टेंस का पहले काम कर रही थी, जब इसको ब्रेक किया तो एक सपोर्ट की तरह काम करने लगी, स्टॉक उससे भी ऊपर जाता है और आप देखिए इन लेवल्स तक पहुंचता हुआ नज़र आता है। वहां से स्टॉक ने अब देखिए वीकली चार्ट पे क्या हुआ है कि जो मेजर सपोर्ट लेवल थे सभी को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर ब्रेक किया, उसके पहले देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा इसने सपोर्ट अपना बना रखा था और इन्हीं लेवल्स के ऊपर ये काम कर रहा था। यहाँ पर इसने इसको ब्रेक डाउन किया, उसके बाद देखिए इन दो लाइन्स के बीच में स्टॉक चलता हुआ नज़र आया, यहाँ पर इसको भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टॉक पहुंचता है और उसके बाद इसको भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया। तो जितनी भी मेजर सपोर्ट्स थी उसके अब स्टॉक जो है नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब स्टॉक को जो ऊपर जाना है तो जो इसका मेजर जो रेजिस्टेंस है वो बनेगा 1060 का। 1060 को जब ये क्रॉस करेगा तभी इसके अंदर कोई नया मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा, जो कि एक अच्छा खासा पहले सपोर्ट था, अब अच्छा खासा इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक के लिए ऊपर जाना इतना ईजी नहीं होगा। कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में, यानी अगले दो दिन के ट्रेडिंग सेशन में अगर स्टॉक 1060 के ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है तो काफ़ी अच्छा सेंटिमेंट हो सकता है और स्टॉक धीरे धीरे फिर से ऊपर जा सकता है। बट अगर स्टॉक 1060 के नीचे की ही क्लोजिंग देता है और वीक रहता है तो स्टॉक धीरे धीरे 980 और देन 920 इन लेवल्स को भी टच कर सकता है। 980 और 920 इन दोनों लेवल्स को टच करता हुआ नजर आ सकता है अगर 1060 के नीचे बना रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब स्टॉक इस टाइप की जो सपोर्ट्स होती हैं उनको ब्रेक करता है तो काफ़ी शार्प जो है उसके अंदर फॉल होने के चांसेस रहते हैं। तो बिल्कुल पहले भी हमने बताया था कि इन सपोर्ट लेवल के आसपास अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सपोर्ट जो स्टॉप लॉस है बिल्कुल लगा के रखिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको जो नज़रिया है वो नीचे के लेवल पे अकोमोलेट करने का होना चाहिए। अब जब ये स्टॉक एक जगह स्टेबल हो जाए और कंसोलिडेट करने लगे उसके बाद ही आपको लेना है, अभी इसके अंदर किसी टाइप का कोई पैसा नहीं लगाना है। वीकली बेस पे RSI काफ़ी वीक है, अभी स्टॉक इमिडिएटली ऊपर जाता हुआ तो नज़र नहीं आता है। और उसके बाद देखिए डेली चार्ट पे 32 के आसपास की RSI है, यहाँ पर भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है स्ट्रेंथ है वो वीक नज़र आती है। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, इसको ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है इसको भी ब्रेक किया, अब यहाँ पर भी ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको इंडेक्स मैंने दिखाया ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, 6800 का उसने हाई लगाया था, उसके बाद 5200 के आसपास अभी इंडेक्स चलता हुआ नज़र आ रहा है और अभी वो बिल्कुल अपने सपोर्ट को उसने ब्रेक किया है। तो हो सकता है वहाँ पर गिरावट हो, तो इन जो स्टॉक्स हैं इनमें भी गिरावट होती हुई नज़र आए, तो थोड़ा सा केयरफुली इनके अंदर काम कीजिए क्योंकि मेजर सपोर्ट लेवल इनने सबने ब्रेक कर दिए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।